मैं महेंद्र, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल रॉयल पब्लिक स्कूल जीरावल। आज हम क्लास फिफ्थ का प्रश्नावली 5.2 का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, तो चलिए अंत तक जरूर देखें वीडियो को। इसमें बोला है कि दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड लिखिए, ठीक है ना। वो आपके सामने दो दो का ग्रुप है, इनमें जो भी गुणनखंड आएगा वो समान लेना है, बाकी को नहीं लिखना। तो चलिए सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। तो आठ का गुणनखंड, ठीक है, आठ का गुणनखंड क्या क्या होता है? तो आठ का गुणनखंड होगा एक, ठीक है, आठ एक के पहाड़े में आता है, फिर दो के, फिर आठ आएगा चार के पहाड़े में, फिर आएगा आठ के पहाड़े में, हो गया कंप्लीट। फिर इसी के अंदर बारह का गुणनखंड, बारह का गुणनखंड, और बारह किस किस पहाड़े या टेबल के अंदर आता है, ठीक है, तो एक के अंदर तो आएगा, फिर दो के टेबल से कटता है, तीन के टेबल से कटता है, चार के टेबल से कटता है, छह के टेबल से कटता है, और फिर बारह के टेबल से, ठीक है। गुणनखंड में क्या करना है कि लास्ट इसका नंबर आएगा बारह वाला, ठीक है, जो संख्या जैसे मान लो आठ है तो आठ इसका लास्ट। अब इसमें देखना है समान, आठ व बारह का समान गुणनखंड, ठीक है, तो समान में दोनों में एक, ठीक है, फिर दो और फिर चार, तो ये इनका समान गुणनखंड आ जाएगा, एक दो और चार। इस प्रकार से सवाल एक कंप्लीट। अब इसके अंदर सवाल लेते हैं दूसरा, अब सवाल लेते हैं दूसरा, इसको हल करते हैं। अब इसमें 10 और 20 का गुणनखंड लेना है, तो इसमें 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड। अब 10 किस किस टेबल में आता है या किस किस नंबर से कटता है जिसमें पूरा पूरा भाग जाता है? तो एक में एक से कटेगा, दो से कटेगा, पांच से कटेगा, और ये 10 से कटेगा। इसके बाद 20 है, तो 20 का लेते हैं, 20 का गुणनखंड किस 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 नंबर से ये पूरा करता है? तो ये एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा, फिर पांच से, 10 से, और फिर लास्ट में 20 से, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि समान गुणनखंड, तो 10 व 20 का समान गुणनखंड। अब कौन कौन से समान, जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक दो और पांच, और इसमें 10, तो इसके समान गुणनखंड आ जाएंगे एक दो और पांच व 10। इस प्रकार से सवाल दो कंप्लीट। अब इसी के अंदर लेते हैं पार्ट तीन, ठीक है। अब पार्ट टू कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर पार्ट थ्री लेते हैं, तो पार्ट हम टू को टिक कर देते हैं। अब पार्ट थ्री को लेते हैं, पार्ट थ्री का हल, इसमें सात का लिखो पहले, सात का गुणनखंड। अब सात का गुणनखंड, सात किस किस टेबल से कटता है? एक तो एक से, और फिर सात से, बाकी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सात एक अभाज्य संख्या है, जिसे किसी भी या तो एक से कटेगी या फिर स्वयं खुद से, इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से नहीं कटेगी। इसके बाद सोलह का, सोलह का गुणनखंड लिखो, बराबर एक से कटेगी, फिर दो से कटेगी, चार से कटेगी, आठ से कटेगी, और सोलह से कटेगी। अब इसमें से सात व सोलह का, सात व सोलह का समान गुणनखंड।
अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों में समान हैं, वो सिर्फ क्या है, एक कॉमन नंबर क्या है, मात्र वन, ठीक है, बाकी हैं जो डिफरेंट हैं। तो इस प्रकार से ये पार्ट 10 भी कंप्लीट। हम लेते हैं पार्ट 4th, 3 कंप्लीट। अब इस सेकंड क्वेश्चंस का पार्ट 4th, तो पार्ट 4th कॉल करते हैं। पार्ट 4th में सबसे पहले आपको 18 का गुणनखंड, 18 का गुणनखंड कितना होता है, एक के टेबल से कटेगा या एक एक से डिवाइड होगा, फिर दो से, फिर तीन, छः, नौ, फिर 18 से, ठीक है। अब इसके बाद इसमें रहा 32, अब 32 है वो किस किस से डिवाइड होता है, तो सबसे पहले एक, फिर दो, सम संख्या है तो दो से होगी, फिर चार से, आठ से, ठीक है, फिर 16 से, और फिर इसके अंदर आ जाएगा 32, क्या आ जाएगा, 32। अब इसमें दोनों का समान, 18 व 32 का समान गुणनखंड, 18 व 32 का समान गुणनखंड कौन कौन से हैं, जो दोनों में इक्वल होंगे वो आपको लेने हैं। तो इसमें एक, दो, ठीक है, एक दो ही है, इसके अलावा तो कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो इसका आंसर है एक और दो। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 2 कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।